मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र का इलाका हमेशा से वीर सपूतों का गढ़ रहा है। यहाँ के कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए और अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध पूरी ताकत के साथ किया था। उस समय रीवा क्षेत्र को बघेलखंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ के क्रांतिकारियों ने आजादी के आंदोलन और क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसका इतिहास भगवान दास श्रीवास्तव की पुस्तक बघेलखंड में स्वाधीनता का आंदोलन में पढ़ने को मिलता है। पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र के देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया और देशवासियों को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई रीवा के क्रांतिकारियों ने भी लड़ी थी। रीवा रियासत के राजा रघुराज सिंह ने इस लड़ाई को लड़ने में क्रांतिकारियों की छिपे तौर पर मदद भी की थी। भोपाल के रहने वाले भगवान दास श्रीवास्तव ने अपनी किताब बघेलखंड में स्वाधीनता का आंदोलन में रीवा के क्रांतिकारियों का जिक्र किया है। किताब में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह से लेकर कृपालपुर के बाबा धीर सिंह, रणजीत राय दीक्षित, मनकहरी के बाबा रणमत सिंह, खमरिया के बाबा श्याम शाह, मझियार के बाबा पंजाब सिंह, अमीर खां, हसमत अली अखबार नवीस, भवानी लाल जैसे कई क्रांतिकारियों के विषय में जानकारी मिलती है। इतिहासकार असद खान बताते हैं कि 1857 की क्रांति में रीवा के क्रांतिकारी योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1857 की क्रांति में रीवा के क्रांतिकारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका मध्य भारत में कोई सानी नहीं था। उनमें जो प्रमुख नाम आते हैं वो धीर सिंह कृपालपुर, ठाकुर रणमत सिंह मनकहरी, बाबा श्याम शाह खमरिया, रंजीत राय दीक्षित डभौरा, पंजाब सिंह खैर मझियार, शहामत खां घोघर और गरुल सिंह सुहागपुर। ये बहुत प्रमुख नाम हैं जिन्होंने मध्य भारत में आज़ादी की बिगुल जगा दी थी, बिगुल फूंक दी थी। बघेलखंड के भीतर अंग्रेज़ों की ज़्यादती जुल्म तो हो ही रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में इनकी ज़्यादती जुल्म काफ़ी बढ़ चुकी थी, उसका असर रीवा में भी दिखा। दरअसल 1857 में एक तेलंगा ब्राह्मण रीवा आया क्रांतिकारियों को संदेश लेकर, तो वो पकड़ लिया गया, अंग्रेज़ों ने उसे पकड़ लिया। तो रीवा के जो क्रांतिकारी थे ठाकुर रणमत सिंह, बाबा श्याम शाह, रंजीत राय दीक्षित, शहामत खां, पंजाब सिंह और ये धीर सिंह वगैरह, इन्होंने कहा कि क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण की रक्षा करना, और जो ब्राह्मण वो क्रांतिकारियों को संदेश लेकर रीवाया है उसे पकड़ के अंग्रेज फांसी दे देंगे। अतः इन लोगों ने बगावत कर दी। जब बागी हो गए तो सैकड़ों अंग्रेज़ों को यहाँ पे जो अहदेदार थे उनके ये सिपाही थे, पकड़ के रीवा के कई कुंडों में उनको काट के फेंक दिया गया। उनको नाक में नकेल डालकर उनको घुमाया गया, क्योंकि उनकी ज़्यादती जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी रीवा राज्य बघेलखंड के अंदर। अब अगर आप बघेलखंड का स्वाधीनता आंदोलन देखें और पढ़ें तो उसमें लगेगा आपको कि यहाँ के क्रांतिकारियों को भारत के बड़े प्रमुख जो नाम हैं, चाहे बहादुर शाह जफर हों, झांसी की रानी हों, तात्या टोपे हैं, बाबू कुमार साहब आरा हों, इनके सबके संबंध रीवा के क्रांतिकारियों से था। महाराजा रघुराज सिंह जो हैं अंदर से क्रांतिकारियों के पोषक थे और वो मदद करते थे। एक जगह 1857 के एक पत्र में लिखा है और कि ये धीर सिंह जी जो कृपालपुर के हैं वो कहते हैं कि हमने तात्या टोपे से रीवा महाराजा रघुराज सिंह जी की मुलाकात कराने का समय ले लिया है और रीवा के महाराजा जो रघुराज सिंह जी हैं उनके योगदान से वो बहुत प्रभावित हैं कि ये क्रांतिकारियों को अंदर से मदद कर रहे हैं। तो ठाकुर रणमत सिंह श्याम शाह, इनको तो ठाकुर रणमत सिंह को जब इनका बड़ा कत्लेआम मचा दिया अंग्रेज़ों पे, तो इनको क्या है कि गिरफ्तारी करने का राजा पे दबाव पड़ा, महाराजा रघुराज सिंह पे। तो महाराजा रघुराज सिंह ने इनको गिरफ्तारी देने के लिए कहा और कहा कि हम आप